दोस्तों फाइनली नारनौल टोल टैक्स पे पहुंच चुका था मैं। टायर चेक कर लेते हैं और ये टायर तो ये अपना नारनौल टोल टैक्स। जाम चेक करो, जयपुर से किशनगढ़ तक तो बहुत ही बुरा हाल है आजकल जाम से, दिन को हो चाहे रात को। ये चेक करो, पूरा रोड जाम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय सियाराम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सो के उठ चुके थे फाइनली दोस्तों हम, और अपना नहा धो के फ्री हो चुके हैं। तो फाइनली मैं नारनौल पहुंचने वाला था, और ये अपना अम्बाला नारनौल एक्सप्रेसवे, और शाम के 5 बजने को है, और सूर्य देवता जी भी बिल्कुल सामने, मतलब धूप भी एकदम कड़क वाली लगी हुई है। ये चेक करो गाइस, इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना। तो चरखी दादरी पहुंच चुका था मैं, इस वक्त यू बहुत ही खतरनाक। पर अब उतनी गर्मी नहीं है दोस्तों जितनी पहले थी, अब पहले से कम ही है गर्मी, मतलब पहले तो बहुत ही भयानक वाली गर्मी थी, पर अब उतनी गर्मी नहीं है फ्रेंड्स। गर्मी तो है पर जैसी अब उतनी नहीं, अब मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं इस गर्मी को। दोस्तों फाइनली नारनौल टोल टैक्स पे पहुंच चुका था मैं। टायर चेक कर लेते हैं और उतरे ये टायर तो ये अपना नारनौल टोल टैक्स। अपनी गाड़ी और ये नारनौल टोल टैक्स फ्रेंड, टायर तो ओके ही अपने दोनों साइड के। फिर अब धूप बत्ती कर लेते हैं और निकलते तब इधर से। तो गाइस फाइनली कोटपुतली पहुंच चुका था मैं। ये कोटपुतली अपना, और भूख भी लग रही है, अब देखते हैं। सोच तो रहा था अपना किशनगढ़ खाना खाऊंगा, पर उससे पहले ही खाना पड़ना है क्योंकि भूख लग रही है बहुत। तो चलो देखते दोस्तों कहाँ पे बनता है खाना खाने का, तो खाना भी खा लेंगे क्योंकि भूख भी लगी रही है। अब जयपुर पहुंच चुका था मैं। ये अपना जयपुर सिटी वाला फ्लाईओवर चेक कर सकते हैं आप लोग, ये अपना जयपुर सिटी, इधर को अपना लेफ्ट साइड में रहा और ये सीधा अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये चेक करो गाइस आप, ये गया जयपुर सिटी को गाइस रोड अंदर। पिंक सिटी जयपुर, द पिंक सिटी। जाम चेक करो,
जयपुर से किशनगढ़ तक तो बहुत ही बुरा हाल है आजकल जाम से, दिन को हो चाहे रात को। ये चेक करो, पूरा रोड जाम है फ्रेंड्स। मतलब अपना जयपुर से किशनगढ़ के लिए कम से कम 3 घंटे तो नॉर्मल मान के चलो आप लोग, देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है जाम ही जाम दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत बुरे हाल है जाम से। तो गाइज फाइनली होटल पे पहुंच चुका था मैं अपने चिड़िया वाले ढाबे पे, तो खाना खा लेते हैं। अपना टोनी भाई पीछे रुक गया था और फिर खाना खा के निकलते इधर से, और रात के 1 बज चुका है और ये अपना होटल राज चिड़िया और ये अपनी गाड़ी। तो चलो दोस्तों खा लेते तब खाना और फिर निकलते इधर से, सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। भीलवाड़े वाले रोड पे आ चुका हूँ, तो सफ़र अपना कंटिन्यू है अभी भी, और देखते हैं अगर नींद आएगी तो सो जाऊँगा, नहीं तो कोशिश तो खाली करने की पूरी अपने से, ताकि देखते हैं क्या बनता है फ्रेंड्स। तो अपने से तो चले हैं नॉन स्टॉप, अगर नींद आ गई तो सो जाएंगे, नहीं आई तो चले रहेंगे, फिर खाली कर लेंगे आज गाड़ी दिन को, दिन तक तो पहुँच ही जाऊँगा 1-2 बजे तक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सो के उठ चुके थे फाइनली दोस्तों हम, और अपना नहा धो के फ्री हो चुके हैं। तो रात को हम पहुँच चुके थे अपना बिट्टू भाई के ढाबे पे बंधनवाड़ा। तो ये अपनी गाड़ी और ये अपने टोनी भाई वाली गाड़ी, तो रात वाले व्लॉग में देखा ही था आपने, हम यहाँ पहुँच चुके थे और व्लॉग अपना रात वाला ही कंटिन्यू है। और ये अपने को वंकू भाई भी मिल चुके इधर पे, मतियाना की गाड़ी है, भाई भी बड़ौदा ही जा रहे हैं। तो ये भाई सामने दिख रहे हैं आपको, ये अपने अंकू भाई। तो अब इधर से निकलते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना, फिर अब सांवरिया सेठ जी के मंदिर पर जाके ही रुकेंगे। तो चलो दोस्तों भगवान जी का नाम लेके जय सिया राम बोलते अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं इधर से, और सफ़र कंटिन्यू करते अपना तब। तो गाइस फाइनली होटल से निकल चुके थे हम और अपना विजयनगर पहुंचने वाले हैं। मौसम ठंडा है एकदम चिल्ड, नहीं तो गर्मी बहुत थी, पर आज मौसम ठंडा, अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, मतलब जब हम सो रहे थे उस टाइम बारिश हो रही थी, बस अभी अभी बारिश रुकी है। तो देख सकते हैं आप लोग इस वक्त कितना चिल्ड मौसम है। बाकी अंकू भाई और टोनी भाई दोनों पीछे चले हैं। फाइनली भीलवाड़ा टोल टैक्स पे पहुंच चुके थे हम, ये अपनी गाड़ी और ये टोनी भाई वाली और ये अपने अंकू भाई वाली। तो चलो सफ़र अपना कंटिन्यू है और अब इधर से निकलते हैं। बाकी ये अपने टोनी भाई वाली गाड़ी, रात को इसमें सोए थे हम, भाई को देखा ही होगा आपने, ये अपने टोनी भाई। और बाकी ये भाई की गाड़ी, ये घोड़ा चलाते हैं भाई, मतलब अपने हिमाचल से ये भाई भी सिरमौर से, और ये गाड़ी चलाते हैं भाई, ये अपने अंकू भाई वाली गाड़ी, और बाकी अपनी ये अपने अंकू भाई। तो चलो सफ़र कंटिन्यू करते हुए अपना, तब मिलते हैं आप लोगों को फ्रेंड आगे के सफ़र में। भीलवाड़ा में अपना गुरुद्वारा साहिब, सतनाम श्री वाहे गुरु। तो इधर पर रुके थे हम, मैंने झंडिया ली गाड़ियों के लिए, ये लगाई इधर पे और 2 ऊपर लगाई। तो चलो अब निकलते इधर से दोस्तों। गंगरार, फाइनली दोस्तों गंगरार पहुंच चुका हूं मैं। और बारिश का मौसम एकदम टकाटक वाला बन चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। पहली बारिश स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं आप लोग, मतलब रोड भी नहीं दिख रहा इस वक्त, बहुत ही खतरनाक बारिश, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। ये चेक करो गाइस, शीशे खोल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो पानी अंदर आता है। ये देखो गाइस। तो दोस्तों फाइनली सांवरिया सेठ जी के मंदिर पे पहुंच चुका था मैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सांवरिया सेठ जी का मंदिर, चेक करो गाइज, बारिश हो रही है बहुत ही खतरनाक वाली। ये सांवरिया सेठ जी का मंदिर, और ये भाई भी पहुंच चुका था अंकू भाई। तो
चलो दोस्तों दर्शन कर लेते हैं फिर नीचे, तब उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को तब दर्शन करने के बाद। तो ये सांवरिया सेठ जी के दर्शन दोस्तों, आप लोग भी करिए, जय सांवरिया सेठ जी। तो हम भी कर लेते हैं, जय हो सांवरिया सेठ जी। तो हमने भी कर लिए थे सांवरिया सेठ जी के दर्शन दोस्तों, तो आप लोग भी कर लीजिएगा और अभी दर्शन निकलते हैं। जय हो सांवरिया सेठ जी। ये मंदिर इधर पे सांवरिया सेठ जी का। फाइनली उदयपुर पहुंच चुका था मैं, द सिटी ऑफ लेक्स। तो दोस्तों अभी भी जाम लगा है उदयपुर सिटी से, अभी भी मतलब चौक पे ही पहुंचे हैं जहां से लेफ्ट लेते हैं। अभी भी बहुत बुरा हाल है जाम से, चेक कर सकते हैं आप लोग, पता नहीं किस चीज़ का जाम है, बगैर मतलब का क्या बोले दोस्तों, बहुत बुरा हाल है जाम से। बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, बेचारे भगवान करे ड्राइवर ठीक हो, नहीं बेचारा फंसा हुआ है। पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। तो गाइस उदयपुर से निकलते ही अपना बारिश फिर से चालू हो चुकी है, धौलाधार बारिश। बारिश में रोड दिखता ही नहीं है आगे, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है अपना जब बारिश लगती है, इसलिए बारिश में बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ता है। पर एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ अभी, बेचारा भगवान सलामत रखे उसको, सही होना चाहिए बस भगवान से। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ठीक होना चाहिए वो, बाकी कोई दिक्कत। निकल चुके थे हम होटल से और बारिश अभी भी कंटिन्यू हुई है, रात सुबह के 3 बजने वाले हैं और उदयपुर में जाम बहुत लगा, 3 घंटे का जाम लगा कम से कम, और आरटीओ की वजह से सारा जाम, बहुत बुरे हाल है इन आरटीओ का, क्या बोले इनको। और परेशान गाड़ी वालों को करते, हमने सोचा कि कोई मतलब गाड़ी वगैरह का हो गया होगा कुछ, तो आरटीओ ने पूरा उदयपुर जाम कर रखा था, एयरपोर्ट से लेके अपना जब तक उदयपुर बाईपास ख़त्म नहीं होता तब तक पूरा रोड जाम था। और होटल से निकल चुके थे हम, दुर्गेश भाई के पास खाना खाया आज हमने, मैंने रंकू भाई ने, और अपना टोनी भाई पीछे रुक गया था। और बारिश अभी भी कंटिन्यू है, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों गुजरात में एंटर हो चुका हूँ मैं, राजस्थान से गुजरात में अपनी एंट्री हो चुकी है, ये ओल्ड गुजरात बॉर्डर। मोदी जी ने एक तो सही काम किया कि बॉर्डर बंद कर दिए, अब एक और काम कर देते कि ऑल इंडिया के जितने भी आरटीओ बैरियर है सारे बंद हो जाते हैं। तो वाह, बारिश चेक करो, मतलब कि इस वक्त ताबड़तोड़ बारिश हो रही है दोस्तों, मतलब इस बार गुजरात राजस्थान में बरसात में नहीं हुई बारिश, तो भगवान जी अब दे रहे हैं जब सर्दी आने वाली है, जब बरसात ख़त्म हो चुकी है, भयानक वाली बारिश लगी है। चेक करो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, नमस्ते, कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग अपना कल वाला ही कंटिन्यू है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था अपना एक्सप्रेसवे पे, अपना अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। तो इस चक्कर में वाया कपड़गंज होके आया, तो बारिश देख सकते हैं आप लोग, मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब अपने को लगी है किशनगढ़ से नॉन स्टॉप बारिश, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। अब पता नहीं भगवान जी ने शायद मानसून में इस बार इधर बारिश नहीं करी, इसलिए अब हो रही है, वो भी सितंबर के महीने में नहीं, जिस वक्त इधर बारिश नहीं होती है फ्रेंड्स, और भगवान जी
की माया है, अब कौन ही समझ सकता है भगवान जी की माया, तो आप लोगों को बताइए। तो चलो अब अपने को 10-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा स्टोर पे, जिधर पे अपनी गाड़ी खाली होगी। तो सब दोस्तों फाइनली वडोदरा पहुंच चुका था मैं, ये अपनी वडोदरा सिटी। बारिश ने तो फुल रफ्तार पकड़ ली है फ्रेंड, मतलब रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। उदयपुर से नॉन स्टॉप बारिश लगी है अपने को, देख सकते हैं आप लोग भी अपनी वडोदरा सिटी। तो चलो अब कोल्ड स्टोर में पहुंच के गाड़ी खाली करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके थे हम स्टोर पे, और इधर पे होगी अपनी गाड़ी खाली, ये अपनी गाड़ी और ये भाई की गाड़ी। ये स्टोर इधर पे कोल्ड स्टोर अपना राजपिपला वाले रोड पे, बाकी दो गाड़ियाँ हमारे से पहले, एक खाली हो गई है और एक खाली होने को है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। इधर पे खाली होगी अपनी गाड़ी, तो तब तक रेस्ट कर लेते हैं जब तक अपनी गाड़ी खाली होगी। गाइज फाइनली स्टोर में पहुंच चुका था मैं और गाड़ी अपनी खाली होने लग चुकी थी। इधर पे स्टोर है और इधर पे बहुत माल स्टोर होता है, ये प्याज है और एक भाई की गाड़ी और खाली हो रही थी साथ में, बाकी भाई लोग खाली कर रहे हैं। तो गाड़ी खाली कर लेते हैं अब, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों भाई लोग खाली कर रहे थे अपनी गाड़ी, मौसम आज स्टिल्ड है एकदम। गाइज गाड़ी अपनी खाली हो चुकी थी फाइनली, और अभी इधर से निकलते हैं और जाते हैं ट्रांसपोर्ट लोडिंग का क्या प्रोग्राम बनता है, और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो चलो दोस्तों अब करते हैं रेस्ट और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना सपोर्ट यूँ देते रहे दोस्तों। पर मौसम आज बहुत ही सुहाना है, चेक करो गाइज़।